हेलो फ्रेंड्स, आज दी इस वीडियो दे विच असी नैशनल अचीवमेंट सर्वे जां पंजाब अचीवमेंट सर्वे दी तैयारी लई क्वेश्चन सॉल्व करांगे। पंजाब अचीवमेंट सर्वे जां नैशनल अचीवमेंट सर्वे एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, एक सर्वे है जो तुहाडी बेसिक नॉलेज नूं टेस्ट करदा है। किसी भी टेस्ट नूं क्वालीफाई करन दे लई जां उस नूं क्लीयर करन दे लई तीन चीज़ां बहुत ही जरूरी ने, टाइम मैनेजमेंट, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इस वीडियो दे विच असी कुछ ट्रिक्स अते शॉर्टकट सीखांगे अते वो क्वेश्चन सॉल्व करांगे जो नैशनल अचीवमेंट सर्वे जां पंजाब अचीवमेंट सर्वे दे लई इंपोर्टेंट ने, जां तुसी कह सकदे हो कि बहुत ही संभावित ने कि वो क्वेश्चन तुहानू इन्हां सर्वेस दे विच मिलणगे। अज की इस वीडियो दे विच असीं दो घाती बहुपद अते दो घाती समीकरण इन्हां दे कुछ बेसिक्स सिखांगे ते उन्हां बेसिक्स ते उन्हां ट्रिक्स दे आधारित असीं कुछ क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करांगे। सो पहला आपां कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लैने आ। सो दो घाती बहुपद इहदे विच असीं जो पढ़िया है उहदे विच असीं पढ़िया है कि कोई भी दो घाती बहुपद इस फॉर्म दे विच हुंदा है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस तो भाव है सिफरां दा जोड़, इसे तरह पी तो भाव है सिफरां दा गुणनफल। कई बार सानूं सिफरां दे दित्तियां जांदियां ने कि अल्फा कॉमा बीटा दो सिफरां ने, तां साडा दो घाती बहुपद किस तरह बनेगा, एक्स स्केयर। सो एस साडा जोड़ है भाव अल्फा प्लस बीटा, ये साडा जोड़ हो जाएगा, प्लस ये साडा पी प्रोडक्ट है गुणनफल है, तो लास्ट की आएगा अल्फा गुणा बीटा। सो ये बारे असी दो घाती बहुपद बारे एक ये चीज़ अपने माइंड के रखनी है, तो दूसरी यह जो कदे भी तुहानू दो घाती बहुपद का क्वेश्चन आएगा ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਏ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਟਰਮ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਓਵਰ ਏ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ ਓਵਰ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਓਵਰ ਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਪਲੱਸ। ਅਤੇ ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ ਓਵਰ ਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਫੋਰ ਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਮੂਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਬੀ ਓਵਰ ਏ, ਸੀ ਓਵਰ ਏ, ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਅਤੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ
जो थोड़े एन ए एस ते पी ए एस पंजाब अचीवमेंट सर्वे दे विच कुछ क्वेश्चन जो आने की चांसिज ने संभावना है वो असी डिस्कस करांगे जो कि इन दे बेस्ड होणगे। सो दो घाती बहुपद के आधारित एक क्वेश्चन थोड़ी तो स्क्रीन के उपर डिस्प्ले हो रहा है। दो घाती बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस 12 दे सिफर हैं। सो सानू चार ऑप्शनस दतिया ने। सो सब तो जो डिफरेंट चीज़ है पी ए एस वास्ते कि यह ऑबजैक्टिव टाइप है, सबजैक्टिव टाइप नहीं है। तुसी किसी क्वेश्चन को किस तरह हल करते हो, किहड़ा मैथड यूज़ करते हो, ये उत्थे कोई क्लीयर नहीं हुंदा है। तुसी किसी भी जगह मैनशन नहीं करते हो, केवल तुसी सही आंसर की चोण करनी है। तो वह चोण तुसी किस तरह करते हो, क्वेश्चन को सोल्व करके करते हो, जां कोई अल्टरनेट टेक्नीक लगा के अपने सही आंसर को तलाश दे, उसकी चोण करते हो। सो ये कोई मायने नहीं रखता कि तुसी किस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया है। सब तो वध जरूरी की है कि तुहाडा जो आंसर होना चाहिए वह सही होना चाहिए। सो असी हुणे दो घाती बहुपद के बारे सीखिया कि दो घाती बहुपद हमेशा x² माइनस sx प्लस p ये रूप हुंदा है। सो पहली टेक्नीक तो है कि असी इस क्वेश्चन को हल कर लीए, बट साढ़े पास पेपर के इन्ना समा नहीं हुंदा कि असी हर क्वेश्चन को सोल्व करिए। सो असी कोई ट्रिक यूज़ करते हैं जिस दे नाल साडा सैकंडस दे विच आंसर आ जाए। सो असी ये पढ़िया कि कोई भी दो घाती बहुपद जो है वह इस फॉर्म के होंगे x² माइनस एस एक्स प्लस पी, पी तो भाव गुणा। सो जेकर मैं इनू ये कंपेयर करा, साडा पी गुणा की आ रही है प्लस 12। दो सिफर का गुणनफल प्लस 12 है कदों होएगा, जेकर दोनों अल्फा ते बीटा की ने प्लस साइन दे ने, जां अल्फा ते बीटा माइनस साइन दे ने, तद ही आंसर साडा प्लस अल्फा बीटा आएगा। कहण तो भाव तद ही साडा गुणनफल की होएगा, पॉजिटिव होएगा, जेकर अल्फा पहला ते दूजा सिफर एक ही साइन दे होण। सो एक धनात्मक कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, उल्ट चिन्ह वाले नहीं हो सकते। सो ये दो कंडीशन ते बाहर हो गई। सो रह गए दोवें धनात्मक जां दोवें ऋणात्मक। सो सम एस जेकर असीं इन्हां दोनों नूं कंपेयर करिए, सो एस साढ़े पास की आ रहा है, इत्थे एस माइनस है, इत्थे प्लस है। सो माइनस एस इज इक्वल टू 15, असीं एस कह सकते हैं। एस की है साढ़े पास माइनस 50। सो दो सिफरां दो नंबरां नूं जोड़ के साढ़े पास एक ऋणात्मक रकम आ रही है, ऋणात्मक। जेकर असीं दोनों प्लस वाले जोड़िए तो आंसर साडा प्लस च ही आएगा, जेकर असी नैगेटिव वाले जोड़िए माइनस वाले तो साडा आंसर की आएगा माइनस। जिमें कि जे मैं 3 ते 2 नूं जोड़ा, दोनों प्लस देने तो आंसर किन्ना आएगा 5। जेकर मैं -3 ते -2 जोड़ा तो आंसर किन्ना आएगा -5। सो साडे पास की आ रहा है, एस नैगेटिव आ रहा है, तो दोवें की होणगे ऋणात्मक, धनात्मक नहीं होणगे। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसके दोवें सिफर ऋणात्मक होंगे, सानू हल करन दी लोड़ नहीं है। सो यही है कि इत्थी है कि जो साडे बेसिक्स ने साडे काम आते हैं। जेकर तुहाडे बेसिक्स क्लीयर होणगे तां तुसी सैकंड्स दे विच इहनूं बिना सोल्व करे आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 दी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 तुहाडी स्क्रीन के उपर डिस्प्ले हो रहा है। इस दे विच साडे पास दो घाती बहुपद की जगह पर की है, समीकरण है। समीकरण ते बहुपद दे विच ज़्यादा फर्क नहीं हुंदा, सिर्फ बराबर। समीकरण के असी जो बहुपद है उसनों इक्वेट कर दें किसी नंबर दे। सो ये साडा दो घाती समीकरण है, तो जदों समीकरण है तो सिफरां की जगह पर असी की यूज़ करते हैं, मूल। तो सानू दो घाती समीकरण के मूलों बारे पूछा गया कि की होणगे। सो फस्ट टेक्नीक तो है कि असी इसनों गुणनखंड बना के सोल्व कर लीए, या दूसरी जो असी फस्ट क्वेश्चन के टेक्नीक यूज़ की सी कि कोई भी दो घाती समीकरण जो होंदा है उसकी लास्ट टर्म सानू की रिप्रजेंट करती है, गुणनफल। सो गुणनफल साढ़े पास की आ रहा है, -35 नैगेटिव आ रहा है। सो -35 कदों आ सकता है, जदों एक टर्म साड़ी नैगेटिव होवे ते दूसरी पॉजिटिव, भाव दोनों नैगेटिव नहीं हो सकदियां, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकदियां, ये तो पॉसीबल ही नहीं है, दोनों के विचों एक पॉसीबल इन्हां दे विचों। सो सैकंडली साढ़े पास जोड़ किन्ना आ रहा है, जोड़ असी लिया सी नैगेटिव, जोड़ साढ़े पास की आ रहा है 2। सो 2 दोनों डिफरेंस 2 आना चाहिए, सो डिफरेंस कितने आ रहा है साढ़े पास 2, 7 माइनस 5 इज 2। सो साड़ी आंसर की है ए।
जो साडा जोड़ है जो असी दो घाती बहुपद के पढ़िया सी एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस बी जेकर असी इहदे नाल कंपेयर करिए इत्थे जे असी दो घाती समीकरण की भी गल करिए माइनस एक्स स्केयर ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी तो उहदे विच जोड़ जो असी लिया सी दैट वॉज माइनस बी ओवर ए नैगेटिव सो इसका नैगेटिव लेना सी दैट इज नैगेटिव दैट ए लवेंगे असी टू जोड़ साढ़े पास की आएगा प्लस टू सो डिफरेंस कितना होना चाहिए या जोड़ कितना होना चाहिए साढ़े पास टू सो जोड़ इतने टू आ रहा है सैवन माइनस फाइव इज टू सो साड़ी ऑप्शन की है ए करैक्ट है सानू क्वेश्चन सोल्व करने की लोड़ नहीं है जेकर साढ़े बेसिक्स जो ने उन्होंने उपर वधिया साडा होल्ड है साढ़े बेसिक्स ने क्लीयर ने असी बेसिक्स नू बहुत वधिया तरीके दे नाल जाणिया है बहुपद के आधार पर साडा क्वेश्चन नंबर थ्री है सानू एक तीन घाती बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्केयर सी एक्स प्लस डी दिता है इस दियां सिफरां विच्चों एक सिफर जीरो है जेकर घात तीन है तो तीन सिफर हो सू एक सिफर पहले की दिती है जीरो है बाकी दियां दो सिफर का गुणनफल सानू पुछया गया है सो ये सानू एक सिफर जीरो दिती गई है सिफर तो भाव की है कि जदों असी इस नंबर नू इस वैल्यू नू इत्थे पुट करांगे सबस्टीट्यूट करांगे इस बहुपद दे विच तो सानू की प्राप्त होएगा जीरो प्राप्त होएगा जो साडा बहुपद है एफ एक्स है वो की है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी सो जदों मैं एक्स दा मुल की पुट करांगा जीरो ये सारा की हो जाएगा जीरो हो जाएगा सो इत्थे जीरो पुट करिया ए इंटू जीरो इज जीरो बी इंटू जीरो इज जीरो सी इंटू जीरो इज जीरो रहेगा साढ़े पास डी आंसर की आना चाहिए साढ़ा जीरो क्योंकि जीरो की है एक सिफर है सो ए भी जीरो ए भी जीरो ए भी जीरो सो भाव डी की हो गया साढ़े पास जीरो हो गया सो इनडायरैक्ट वे दे विच सानू डी की वैल्यू की देती है जीरो देती है सो साडा बहुपद की बन गया है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स डी जीरो है सो इन सारे जेकर मैं ध्यान नाल देखा तो एक्स साढ़े पास की आता है कॉमन आता है सो ये की रह गया ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी सो ये की है एक दो घाती बहुपद है दो घाती बहुपद है तो दो घाती बहुपद के असी सीख्या है कि एक्स स्केयर में इकलिया करना चाहिए है तो साढ़े पास की बनेगा ये ए असी भाग कर दें तो यह साडा की आएगा एक्स स्केयर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए तो सानू बाकी दिया दो सिफर का गुणनफल पूछा गया है सो विचकार वाली टर्म जो एक्स नाल लगती है साडा की होंगी है माइनस एस एक्स तो यह साडा की होंगी है पी प्रोडक्ट गुणनफल सो सी ओवर ए साडा आंसर की आएगा सी ओवर ए सो उम्मीद है तुहानू क्वेश्चन समझ आया होगा ए जो है तीन घाती है देखण नू बट जो असी एक्स इज इक्वल टू जीरो जो कि एक सिफर है इसनों सबस्टीट्यूट करांगे सानू डी की मिलेगा जीरो सो डी तो जीरो है तो साडे पास किन्नी टर्म बच गई है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स एक्स असी कॉमन ले लैने सो जो साडा ए वाला पार्ट है ये की है एक दो घाती बहुपद है सो दो घाती बहुपद दे विच असी जो साड़ी लास्ट टर्म होंदी है वह सानू की दिंदी है गुणनफल बशर्ते कि एक्स स्केयर का कोफिशेंट की होवे वन होवे सो असी इनू ए नाल डिवाइड कर लिया सो लास्ट टर्म साढ़े पास की आ गई है सी ओवर ए सो सिफर का गुणनफल की होएगा सी ओवर ए ये साड़ी राइट ऑप्शन है सो क्वेश्चन नंबर चार दे विच सानू एक बहुपद दिता गया है तो पूछा गया कि इन विचों केड़ी संख्या बहुपद एक्स की घात पांच माइनस एक्स की घात तीन जमा दो एक्स माइनस दो दी एक सिफर है जेकर बहुपद कोई वड्डी घात वाला होवे ते तुहानूं हल करन दे विच समस्या आवे तां असी इस दा सिफर पता करन दी बजाए असी ये जो साडे पास चार ऑप्शनज ने जो सानूं बेस्ट फिट लगदी है असी इहदे विच सबस्टीट्यूट करके चैक कर सकते हैं सपोज साढ़े पास वन है जेकर मैं इतने वन पुट करते हैं वन रेज टू पावर फाइव माइनस वन क्यूब प्लस टू इंटू वन
टू माइनस टू, सो टू कैंसल्स आउट, वन भी कैंसल आउट, आंसर क्या आ गया साढ़े पास जीरो। सो पहली वो ऑप्शन साड़ी जिहड़ी है वो इत्थे फिट हो रही है जो एक है एक्स बराबर एक, इसकी एक सिफर है, सो साडा आंसर की होएगा वन। सो अगे सानू चैक करन दी लोड़ नहीं है जेकर ये इत्थे साढ़े पास सपोज वन जो है किसी बी सी या डी ते हुंदा तां असीं इह वालियां ऑप्शनस जिहड़ियां ने इत्थे पुट करके देखदे साढ़े पास जो जीरो आया रिमाइंडर, बाकी जो जीरो बचे वो जीरो नहीं बचेगा। सपोज जेकर असीं माइनस वन इत्थे पुट कर देंगे, माइनस वन रेज टू पावर फाइव माइनस माइनस वन रेज टू पावर थ्री प्लस टू इंटू माइनस वन माइनस, सो माइनस वन की पावर ऑड है तो आंसर की आएगा माइनस वन, माइनस वन की पावर ऑड है तो की आएगा माइनस वन, माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस वन, टू इंटू माइनस वन इज माइनस टू माइनस टू, सो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे बट ये कैंसल आउट नहीं हो रहे, सो आंसर क्या है माइनस फोर, सो भाव ये साडा कोई सिफर नहीं है। सो इस तरह जेकर तुसीं बस बाकी भी फटाफट चैक कर लोगे तो तुहाडी जो ऑप्शन है यही आएगी तुहाडे पास कि एक्स इज इक्वल टू वन है। तो दूसरे वे दे विच तुसीं जे होर ईजी करना चाहते हो इसनों तो इन दो टर्मां दे विचों साडे पास एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस एक्स क्यू प्लस टू एक्स माइनस टू, ये साढ़े पास एक्स रेज टू पावर थ्री कॉमन आता है, एक्स स्केयर माइनस वन इतों साढ़े पास टू कॉमन आता है एक्स माइनस वन। सो जेकर मैं ध्यान देव इतने एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं, इतने भी असं एक्स इज इक्वल टू वन पुट कर सकते हैं, सो सारी जो साड़ी वैल्यू है वह की हो जाएगी जीरो हो जाएगी, सो साड़ी ऑप्शन की आएगा ए एक्स इज इक्वल टू वन। क्वेश्चन नंबर पांच दे विच साडे पास सानू दो घाती समीकरण गिवन ने, दो घाती समीकरण एक्स स्केयर माइनस बी एक्स प्लस सिक्स बराबर है जीरो, एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस सी बराबर है जीरो दा एक सांझा मूल है, भाव जदों असीं इहदे मूल पता करांगे सानू बी दी वैल्यू गिवननी है सी दी वैल्यू गिवननी है, बट जदों असीं मूल पता करांगे तां इसदा एक मूल की है साडे पास सांझा है, पहली अते दूजी समीकरण दे बाकी मूल धनात्मक भाव जोड़ वाले संपूर्ण संख्यावां होण अते उनां दा जो अनुपात है रेशो है वह की है तीन अनुपात चार थ्री रेशो फोर होवे तां सांझा मूल की होवेगा। सो पहली गल तो यह है कि इस क्वेश्चन दे विच असीं दोवां दे जिहड़े मूल ने वह पता नहीं कर सकते, सो सानू जो साड़ियां बेसिक स्किल्स ने उन्होंने यूज़ करना पड़ेगा। साडा पहला समीकरण की है एक्स स्केयर माइनस बी एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सो बेसिक स्किल्स साड़ियाँ की कहिंदियां ने कि जिहड़े मूल ने दो घाती समीकरण के मूल ने जो उन्होंने जोड़ माइनस बी ओवर ए ते गुणनफल सी ओवर ए, सो इस समीकरण के जो मूल होणगे उन्होंने गुणनफल की होएगा छे, सो छे किवें बन सकता है छे गुणा एक छे तीन दूनी छे, दो ही तरीके ने जिन्हें दे नाल असीं छे जो है वह बना सकते हैं। इसे तरह साडे पास दूसरा समीकरण है एक्स स्केयर माइनस छे एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो इस दे विच साडे पास गुणनफल गिवन नहीं है सानू की गिवन है जोड़, सो जोड़ की है साडे पास मूलों का सिक्स माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू सिक्स, जो असी नैगेटिव लवेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो जोड़ छे किस तरह बनता साढ़े पास सिक्स प्लस जीरो इज सिक्स फाइव प्लस वन इज सिक्स फोर प्लस टू इज सिक्स एंड थ्री प्लस थ्री इज सिक्स, सो जोड़ साढ़े पास छे तो जीरो छे पाँच एक छे चार दो छे तीन तीन छे। सो जेकर मैं इन चीज़ों नूं देखा तो मेरे पास एक क्योंकि ये साढ़े पास की है मूलों का गुणनफल है, ये मूल हो सकता है ये मूल हो सकते हैं छे तो एक जोड़े जा सकता तीन तो ये हो सकता है, इस तरह यह साडा मूलों का जोड़ है छे तो जीरो मूल हो सकते हैं इन्हां दी पॉसिबिलिटी नहीं है, पाँच तो एक मूल हो सकते हैं चार तो दो हो सकते हैं तीन तो तीन हो सकते हैं।
सो जेकर मैं इन दोनों के विचों कॉमन लेना हो तो कॉमन की आता मेरे पास एक एक सो साडे पास आंसर दे विच एक है होर कॉमन की आता साडे पास दो दो आंसर दे विच साडे पास दो भी है तीन तीन साडे पास आंसर दे विच तीन भी है चार कॉमन नहीं है चार इत्थे है बट इत्थे नहीं है चार तो साडी ऑप्शन की है बंद हो गई है बट इस क्वेश्चन एक कंडीशन सानू होर गिवन है जो बाकी साडे मूल ने उन्हां दा अनुपात की है तीन अनुपात चार सो जेकर मैं इत्थे एक नूं सांझा लैंदा है तो इसका दूसरा मूल छे होएगा तो इसका दूसरा मूल पंज होएगा इन्हां दा अनुपात तीन अनुपात चार नहीं हो सकता जेकर मैं सांझा मूल दो चुनदा है तो इसका दूसरा मूल तीन होएगा इसका दूसरा मूल चार होएगा सो तीन अनुपात चार सो जो साढ़े दोवें समीकरण ने इन्हों का जोड़ा साझा मूल है वह की है दो है साड़ी ऑप्शन की है बी ठीक है क्योंकि जोड़े दूसरे साढ़े मूल बचणगे तीन तो इतने दूसरा मूल की है इसका चार उन्होंने अनुपात की है तीन अनुपात चार सो ये क्वेश्चन तुम तद ही हल कर सकते हो जेकर तो बेसिक कंसैप्ट है बेसिक है वो उपर पकड़ है वो तो क्लीयर है क्योंकि इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता इसके डायरैक्टली जो सॉल्व तो भाव है इसके जो डायरैक्टली मूल ने रूट्स ने वो नहीं पता किए जा सकते सो सानू अपनी बेसिक नॉलेज में यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वास्ते सो सानू क्वेश्चन की पूछा गया है कि जेकर दो घाती समीकरण एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 72 बराबर है जीरो दे दो भिन्न भिन्न मूल ने भाव इसका जो डिस्क्रिमीनेट होएगा वह पॉजिटिव होएगा जीरो तो वड्डा होएगा तद ही साढ़े जो मूल ने भिन्न भिन्न होणगे बराबर नहीं होणगे जो कि संपूर्ण संख्यावां तद ही पॉसीबल ने जेकर इसते गुणनखंड बनणगे कहण तो भाव जो साडा डिस्क्रिमीनेंट डी होना चाहिए है जेकर उसका सानू अंडर रूट नहीं पता सपोज डी की वैल्यू 7 आ जाती है तो सानू जो एक्स की वैल्यू इदा फाइंड करने की लोड़ पै जाती है सो इन दैट केस साढ़े पास माइनस बी प्लस माइनस डी ओवर डी का जो अंडर रूट है सानू नहीं पता ये की बन जाएगा एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी पर जो साढ़े मूल ने वो की ने संपूर्ण संख्यावान तो संपूर्ण संख्यावान के विच सानू जो डिस्क्रिमीनेंट होंदा है सपोज वो साढ़े पास 49 आता उसका सानू अंडर रूट जोड़ा है वो कंप्लीटली पता होंदा है कि 49 का अंडर रूट की होगा 7 जो असं कह सकते हैं कि इसके गुणनखंड जो ने पॉसीबल ने सो जो सानू दो घाती समीकरण दिता है एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 72 इज इक्वल टू जीरो इस दे विच सानू बी दे कुल संभावित मुल्लां दी गिणती पूछी गई है कि 12 हो सकते हैं 9 हो सकते हैं 15 या 18 सो जेकर असीं अपने बेसिक्स की गल करिए जो दो घाती समीकरण है उसकी जो मिडल टर्म है एक्स का जो कोफिशेंट है वह सम नूं रीप्रजेंट करता है जो लास्ट टर्म है वह साढ़े मूल ने जो उन्होंने गुणनफल प्रोडक्ट रीप्रजेंट करते सो साढ़े पास जो साढ़े मूल ने उन्होंने गुणनफल की है 72 सो गुणनफल 72 है 72 है तो 72 किस तरह बनता है जो एक गुणा 72 72 हो सकता है भाव एक तो 72 इसके मूल हो सकते हैं जो दो गुणा 36 हो सकता है तीन गुणा 24 हो सकता है चार गुणा 18 हो सकता है पंज ते नहीं आता है 6 गुणा 12 हो सकता है तो लास्ट की आ गया साढ़े पास 8 गुणा 9 हो सकता है सो इतने जोड़ कितना आएगा 72 ते 1 73 36 ते 2 38 बी का मुल जे एक ते 72 साढ़े मूल ने तो बी का मुल 73 होएगा जे 2 ते 36 ने इतने तो मुल 38 होएगा बी का जे 3 ते 24 ने तो बी का मुल 27 होएगा 4 ते 18 ने तो बी का मुल 22 होएगा 6 ते 12 ने तो बी का मुल 18 होएगा 8 ते 9 ने तो बी का मुल 17 होएगा सो ये तो हुई पॉजिटिव वैल्यूज़ की गल बट जे एक दे नाल नैगेटिव आ जाए माइनस एक गुणा माइनस 72 तद भी जो इन्हों का गुणनफल है वह की आएगा 72 72 आएगा बट जो इन्हों का जोड़ आएगा वह की आएगा माइनस 73 सो कहण तो भाव माइनस 73 माइनस
अठत्ती माइनस सताई माइनस बई माइनस अठारह माइनस सतारह ये जो ने साड़िया सिक्स ने सिक्स पॉजिटिव तो सिक्स नैगेटिव टोटल किन्ने हो गए साढ़े पास बारह सो साड़ी जो बी है जो साड़ा जोड़ है वो किन्नी तरह का हो सकता है बारह अलग अलग तरह का हो सकता है सो साड़ा आंसर की होएगा ए सो जो बी दियाँ संभावित वैल्यूज़ ने वो की ने बारह ने सो ये क्वेश्चन तद ही तुम कर सकते हो जेकर ए वाले जो बेसिक्स ने वो तो अड़े क्लीयर ने। उम्मीद है तुहानू ये जो क्वेश्चन ने समझ आए होंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चन असी इस वीडियो दे विच कीते ने सारे ही पंजाब अचीवमेंट सर्वे जां नैशनल अचीवमेंट सर्वे इन्हां दे विच आउण दी पूरी पूरी संभावना है। पंजाब अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के लिए साडे चैनल दे नाल जुड़ो होर भी वधेरे वीडियोज़ के लिए साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। चैनल ते आउण लई धन्नवाद।